हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मु बनिता आपण मानक ओडिया घर स्वाद कुकिंग चैनल को स्वागत। आज आम प्रस्तुत करिबा ओडिया स्टाइल माछ झोल। प्रथमे माछ को भाजी नबा। मु एठी नेइची 500 ग्राम रोही माछ एवं सेथिरे हाफ चम्मच लुण और हाफ चम्मच हळदी गुंड को पकाई भल भाव गोलाई नौछि। माछ भाजिबा पई मु तेल कड़े गैस रे गरम होगा रखी देछि। चालंतु एई माछ पीस गुड़ी को भाजी नबा। तेल कड़े भल भाव गरम हो जाइछि। मु एठी रिफाइंड ऑयल नै छी, आपण चाहिले सोरिष तेल नै परिबे। चालंतु माछ पीस गुड़ी को भल भाव भाजी नबा। माछर गोटे साइड गोल्डन ब्राउन हो गला, मुझे यहाँ बुलाई नौ। माछर दुई साइड को आम यहीपर गोल्डन ब्राउन होगा पर्यटन भाजी नवा। एवं यह हो जा कड़ाई काढ़ी नेपर भाव आम सब पीस गुड़ी को भाजी नवा। चलत देखने माछ झोल करने कौन कौन सामग्री आवश्यक। मुठी दुईटी आलू को चोपा छड़ाई लंबा लंबा काटिकी नहीं। गोटे मीडियम साइज प्याज और टमाटो को चॉप करी ने दुई बड़ चमच अदा रसुण पेस्ट नहीं। लुण वन चमच नहीं, हलदी गुंड वन चमच नहीं, लंका गुंड वन चमच नहीं। गोटा मसला रे मुँह नहीं, डालचीनी दुई तीनोटी लवंग गोटे गुजराती हाफ चमच धनिया गुंड नहीं, हाफ चमच जीरा गुंड नहीं। आपण देखिपे मुँ सब पीस गुड़ी भाजी नहीं। चलतु कड़ाई में काटिकी रखि आलू गुड़ को भाजी नवा। ये आलू गुड़ी को आम गोल्डन ब्राउन हवा पर्यंत भाजवा। आलू एबे भल भाव भाजी हो गला, मुझे यह काढ़ी ने। एबे से कढ़ाई आम गोटा मसला को देई दबा एवं काटिक रखि पिज कोईद। पिज को आम हल्का गोल्डन होगा पर्यटन भाजवा। मुझे आवश्यकता मुताबक लुण को आड करदे। लुण आपण ये देखिकी ने कारण आम मारिनेट कला बेल लुण पकड़ पिजरे लुण पकड़ यह जल्दी गोल्डन कलर हो जाए। प्याज एवं गोल्डन कलर हो गला, आम से अदा रसुण पेस्ट को आड करदे। यहाँ अल्प समय भाजी नवा जपर अदा रसुण बटार कंचा स्मेल पल। आम से हलदी गुंड और लंका गुंड को आड करदे। एहा को अध सेकेंड भाजी नेबा। एबे सेथिरे काटिकी रखिथिबा टमाटो चॉप को आड कर देबा ओ भल भाबरे गोलाई नेबा। जदि दरकार हुए आपण अल्प पानी दे यहाँ को कवर करी कुक करिवे, जेपर कि टमाटो भल भाव सॉफ्ट हो जिवो। एबे टमाटो भल भाव सॉफ्ट हो गलानी ओ मसलारु तेल मध्य बाहरी आसिलानी। आम एबे सेथिरे गुंड मसला को आड कर देबा। मु एठी धनिया गुंड और जीरा गुंड को आड कर देउछि। और यहाँ को भल भाव गोलाई नौछि।
ଏବେ ମସଲା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ସେଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଓ ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଓ ଝୋଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା ଏବଂ ଲିଡ଼୍ କଭର୍ କରି 10 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ କାଟିକି ଦେଖି ନେଉଛି, ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମାଛ ତରକାରୀ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ଗାର୍ନିଶ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରମାଗରମ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଗରମ ଭାତ ସହିତ ମାଛ ତରକାରୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏହିପରି ମାଛ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଏହାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।